तुम्हें तो मैंने एक अरसे से देखा तक नहीं है। रेबेका, तुम्हारी उम्र अटक गई है क्या? हम कब से नहीं मिले? 6 महीने। वक्त नहीं रुकता। तुम साथ ना हो तो। तुम कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो? क्योंकि तुम तो बिल्कुल एक फिल्म की हीरोइन लग रहे हो। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये आधा दिल ये क्या दिखा रहा है पता नहीं। हमने साथ में टैटू भी बनवाया। एक साथ कोई टैटू नहीं बनवाया तो था। हद है यार। हद तो होगी यार। याद है मैंने तुझे रुवांडा में क्या कहा था? अब भी दर्द होता है। नहीं, दूसरी चीज यही कि तुम्हें सोते हुए ना देखा। मैंने कहा था हम बेस्ट फ्रेंड्स। हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। अपना ध्यान खुद रखना। तुम मेरा ध्यान रखोगे, समझ गए? वैसे ये स्नोफ्लेक करता क्या है? ओ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को काटता है, फिर गलाता है, फिर पिघलाकर शोरबा बना देता है। ये 9 साल की है। इससे पूरा देखा है। कहाँ? गेम ऑफ थ्रोन्स, जानेट के घर। दैट सारे जासूस इतने खूबसूरत होते हैं। वैसे हाँ, ये दिखने में काफी खूबसूरत और खतरनाक भी। उसने ना सिर्फ अपनी पूरी टीम को मार डाला, बल्कि एक आदमी को तो मारा उसने छाती में ईंट घोप के। मुद्दे पर आओगे। पॉइंट ये है कि ईंट पैनी नहीं होती। उसने एक पूरी ईंट एक आदमी की छाती में घुसाई कैसे? पता है कितना मुश्किल है एक आदमी की जान लेना? या तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, या उस आदमी के छाती में वो है ही नहीं। वो क्या कहते हैं उन्हें, वो हड्डियां। तुम दुनिया के सबसे अच्छे खोजी हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लो। ओ नहीं 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 नहीं, मेरे बॉस से मेरी बात हो गई है, अब तो मेरा पट्टा है। गंजे, 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले। सुनना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले काम करूंगा। हमारे पास अकेले हम अकेले तुम खेलने का टाइम नहीं है। और थोड़ी देर पहले तूने मेरी पैंट गीली कर ही दी थी, पता है तुझे? तो क्या कहता है उजड़े चमन, मेरा साथ देगा कि नहीं? मैं साथ हूं। मगर वो खुश हुआ, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। हां, तू भी नहीं बदला। इसके साथ तो काम नहीं करूंगा, मैं पछता चुका हूं। hey, जैसे ही किसी काम में घुसता है, समझ लो कोई काम ढंग से हो नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर हल को तो सिर्फ स्मैश करना आता है। और इस आतंकवादी को तो बस चीजें ब्लास्ट करनी आती है। और सच ये है कि, और सच ये है, दिल पे मत ले सड़ा हुआ पपीता, तेरी भाषा में है ना? और लोटे का छेद तेरी भाषा में बोले तो। हो गई तेरी पटर पटर, तुझे करना ही क्या आता है? अपने ट्रिपल एक्सएल साइज के शरीर को यहाँ वहां भिड़ाता जो फिरता है, समझना ढीले। अब समझा, तेरे नाक से निकली फटी शहनाई जैसी, हैरी पॉटर जैसी आवाज सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नंगा अपना कंगा अपने पीछे रगड़ रहा है। मैं ये काम खत्म भी कर लूंगा और तू अपनी लंगोटी बांधता रहेगा, पर मेरे लिए प्रॉब्लम तेरी आवाज नहीं, तेरा थोबड़ा है। इसे देख के लगता है जैसे बनाने वाले ने गोबर को उल्टी में मिला के परोस दिया हो, पीट का तड़का लगा के। एकदम सड़ा गला। मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुनना, मुझे जरूरी काम करना है। अब क्या करेगा बे? यहाँ का फर्नीचर तोड़ेगा? मैं तो ये सोच रहा था कि इस कुर्सी को उल्टा घुमाकर तेरे मुंह में घुसेड़ कर फिर धीरे अच्छा। से इसे बाहर निकालूं। और मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी क्योंकि तुम CIA नहीं हो। अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता? CIA एजेंट्स 2 तरह के होते हैं, खुफिया और जासूस। ये लोग एक पेंसिल भी नहीं उठा सकते क्योंकि खुफिया एजेंट्स ऐसे ही होते हैं, और तुम तो एक पहाड़ भी उठा लोगे। खैर, जो भी हो, म्यूजिक तो शुरू हो गया है, तो देखते हैं क्या तुम्हें ताल की समझ है। वायरस का है? मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस वायरस की बात कर रहे हो। जाने मन, नाचने को कहा था, बजाने को नहीं। तो दिमाग से काम नहीं लोगे? किसी महान पुरुष ने कहा एक तंदुरुस्त शरीर में एक तंदुरुस्त दिमाग बसता है। ब्रूस ली ने? नहीं, गौतम बुद्ध, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और इसका तो करता ही हूँ। तुम मेरे साथ ये डांस नहीं करना चाहोगी? ऐसा क्या? गोलियां मेरे लिए चखना है। वो तो ब्रेकफास्ट और लंच भी खाई होगी। गेंडे, अपने सड़े हुए हाथ उसे दूर हटा, ये मेरी बहन है। अबे टकले, इतनी सुंदर लड़की और तेरी बहन? चले देखें मेरी कौन सी सीट है। F1, F2, F2। तेरे आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्योंकि मुझ में एक खूबी है, पसंद करते हैं लोग मुझे। प्यारी लग रही हो बुआ जी। एमरजेंसी सीट बुक नहीं कर सकता था ताकि पैर फैलाने की ज्यादा जगह मिलती? सब तेरी तरह बौने पैदा नहीं होते? जब भी तू अपना मुंह खोलता है, मन करता है गटर में जूता भिगोकर तेरे मुंह में इतने जोर से अंदर घुसेड़ूं, जब टॉयलेट जाए तो बाहर पीते निकले। और देख, तू शायद अब तक समझा नहीं, भाड़ में जाए तू और तेरा आराम, इसलिए अब एक अच्छा हमारा सांड बन, 2-4 किलो चिप्स अपने पेट में घटक, वो सीट पीछे कर और बटक। ये जो मिशन है, इसके लिए काम करना होगा छुपके। और तू खुद को देख, मानता हूं तेरी गलती नहीं है, पर तू आराम से दिख जाता है, जैसे पजामे से लटकता हुआ गंदा सा नाड़ा। तेरे जैसे लफंगे दूसरों की बहन पर लाइन मारते रहते हैं। वो क्या, मैं तेरी बहन पर लाइन मारता हूं? सही सुना तूने। तुझे ये लगता है मैं ये सब इसलिए झेल रहा हूं ताकि मैं तेरी बहन के साथ नैन मटक का इलू इलू अय्याशी कर सकूं? एक बात कान खोलकर सुन ले बोने, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चाहती है कि इस बड़े गबरू जवान घोड़े की सवारी पसंद करे, मैं उसे उस घोड़े पर बिठा के टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक
चल मैं तेरे पर एहसान करता हूँ, तेरा सर धड़ से अलग कर देता हूँ, तू सिर्फ एक बार कह दे ठोक। मैं अपनी इच्छा बताऊँ? मैं 30,000 फीट की ऊंचाई पर तेरे भद्दे से चेहरे पर पैर रखकर भांगड़ा करना चाहता हूँ। यार बस करो, बहुत हो गया, दोनों मुंह पर ताला लगाओ। जब से प्लेन में बैठा है वो ट्रैफिक हवलदार की तरह यहाँ वहाँ देख रहे हो, जो भी सामने से गुजरता है उसका आंखें फाड़ के एक्सरे निकाल लेते हो, कानून के रखवाले। और तुम शाकाल के भांजे, तुम एक जासूस हो, तू कितने का डंबल उठाता है, 150-200 किलो का? हाँ ऐसे ही कुछ। हाँ सही है, मैं 10 साल का था ना तब से उठाता हूँ। तू कैसे बनाता है? गर्म पानी में योगा करके। लड़की ने बोला क्या योगा से होगा? जानते हो मैं क्या करता हूँ? दिन रात प्लेन में बैठ के इसको उसको घूरता रहता हूँ, यही तो लाइफ है मेरी। आजकल आतंकवादी आते नहीं, लोग डकार और पाद मारते, काश फिर से मैदान जंग में जा सकूं। हम सबकी पुंगी बजा सकते हैं, तीनों मिलके आग लगाएंगे, हमारे जलवे देख के सबके धुएं निकल जाएंगे, बदबू भी नहीं आएगी। जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है? ना, ये था ब्रूस ली। हॉब्स, उम्मीद है तू ध्यान से सुन रहा है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, तुझसे बात करके सुकून मिल जाता है, पता है? ये अजीब बात है ना। खैर छोड़, वो पिछला वायरस आपको अंदर से गला देता था ना, मगर ये वाला, ये वायरस आपको बाहर से गलाता है। तो सुन रहा है ना भाई, खाल उधड़ जाती है जैसे तूफान आता है और धोती फाड़ के लंगोट भी ले जाता है। सुन, इससे पहले कि तू कुछ और बके, मुझे ये बता, स्नोफ्लेक तो अब सुरक्षित है ना? स्नोफ्लेक तो सुरक्षित है, हो गया, क्योंकि मुझे परवाह है लोगों की, अपने परिवार। हम परिवार नहीं है, जानता हूँ, हम लोग परिवार से भी बढ़कर हैं। मुझे यहाँ से बचा के ले जाना सैम के पापा। डॉक, मेरी बात ध्यान से सुन, वही रहे, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। बाप रे, बहुत खून बह रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था मुझमें इतना खून भी है। और अगर कोई दिक्कत ना हो तो आते हुए एक आधी बोतल खून के लिए। डॉक, तूने वो तो पूछा ही नहीं मेरा वो ब्लड टाइप। क्या क्या है तेरा ब्लड टाइप? मेरा बी पॉजिटिव है, जैसी मेरी लाइफ की फिलॉसफी है ना। नहीं नहीं, एक सेकंड जरा रुको, ये मेरा खून नहीं लगता, ये तो मेरा खून नहीं है यार। कमाल है, मुझे लगा मैं जख्मी हो गया हूं। तूने कहा था कोई प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जॉन स्नो अपनी ही फुफी के साथ रोमांस कर रहा था और फिर उसकी छाती में चाकू घोंप दिया उसने, ये मेरी प्रॉब्लम है यार। खैर छोड़ना, पता है मैंने एक आदमी की जान ली, वो भी ईंट घोंप के। क्यों, सुन के हैरानी हुई ना? वैसे ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था।